नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। बीएसपी के मुखिया मायावती का बीजेपी की तरफ सॉफ्ट रुख लगातार सामने आ रहा है और कांग्रेस पर उनके तेवर गरम दिख रहे हैं। हाल ही में ऐसे कई मौके सामने आए हैं जब मायावती ने बीजेपी के फैसलों का समर्थन किया है, चाहे बात जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की हो या फिर कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार की योजनाओं की तारीफ करने की हो। यहाँ तक कि चीन मामले पर भी बहुजन समाज पार्टी मोदी सरकार के पक्ष में खुलकर खड़ी दिखी। बीएसपी के ऐसे रुख को देखकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मायावती को बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता बता दिया था। तो वे राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा था कि भविष्य में मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसी साल सितंबर में गुजरात के उपचुनाव भी होने हैं। बीएसपी स्टेट यूनिट ने यह फैसला किया है कि उपचुनाव में पार्टी सभी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में बीएसपी को उम्मीदवार कांग्रेस का नुकसान करेंगे और बीजेपी को फायदा होगा। बीएसपी स्टेट यूनिट ने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने की घोषणा कर दी है और अब सीटों के लिए उम्मीदवारों की खोज हो रही है। बीएसपी के मुखिया मायावती दलितों की नेता मानी जाती हैं। उपचुनाव में वो कांग्रेस के दलित वोटों में सेंधमारी करेंगी। 2017 के गुजरात चुनाव में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। बीएसपी को यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एनसीपी चौथे नंबर पर रही थी। बीएसपी उम्मीदवारों को 2,06,768 वोट मिले थे, जबकि एनसीपी के उम्मीदवार सिर्फ 1,84,813 वोट ही पाने में कामयाब रहे। 2017 में बीएसपी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। गदाड़ा के उम्मीदवार को 443, करजन के उम्मीदवार को 1101, लिंबड़ी के 2652 और अमडासा के उम्मीदवार को 1398 वोट मिले थे। वही बीएसपी के प्रवक्ता पीयूष जादूगर ने कहा है कि हर कोई जानता है कि कांग्रेस के नेता बिक जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन 8 सीटों के लोगों ने कांग्रेस विधायकों के हाथ में जिम्मेदारी दी, उन्हें जीत उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। इन परिस्थितियों में सिर्फ बीएसपी ही मजबूत है जो चुनाव में सभी 8 सीटों पर जीत तय करेगी। दरअसल गुजरात की 8 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ सितंबर महीने में उपचुनाव होने हैं। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती राजस्थान की गहलोत सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। खबर है कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको लेकर मामला फंसा हुआ है। बीएसपी से कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सचिन पायलट के बागी तेवरों के बीच अशोक गहलोत अपने खेमे के विधायकों को सहेजने में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में मायावती उनका खेल बिगाड़ सकती हैं। दरअसल जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी, तब बीएसपी के 6 विधायक सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। कांग्रेस ने सितंबर 2019 में इन विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया था। जनवरी महीने की शुरुआत में इन विधायकों ने सोनिया गांधी ने मिलकर पार्टी की औपचारिक सदस्यता ले ली थी। इन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से विधानसभा में पार्टी की संख्या 106 हो गई थी। बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस ने लालच प्रलोभन देकर उसकी विधायकों को तोड़ा है। बीएसपी ने कांग्रेस के इस कदम की आलोचना की थी और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अशोक गहलोत का इस्तीफा तक मांगा था। यानी कि साफ है कि एक तरफ तो बीएसपी गहलोत सरकार के आगे मुश्किलें पैदा करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में जुट गई है। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।